किसान भाइयों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि नैनो डीएपी मार्केट में लॉन्च हो चुका है और कंपनी का दावा है कि जो नैनो डीएपी है वो हमारा जो परंपरागत डीएपी है उसके एक बैग को रिप्लेस कर देगा 500 ml नैनो डीएपी की जो बोतल है। तो देखिए, वो रिप्लेस करता है नहीं करता है वो तो हम जब हमारे फार्मर उपयोग करेंगे उनको रिजल्ट अच्छे आएंगे तभी पता लगेगा, लेकिन आज के इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे दोनों की न्यूट्रिशन वैल्यू के हिसाब से कि जो हमारी 500 ml नैनो डीएपी आता है तो उसके अंदर कितना केजी नाइट्रोजन, कितना केजी फास्फोरस मिलेगा 500 ml के अंदर। वहीं पर जो आप एक बैग डीएपी डाल रहे हैं तो उसमें 50 केजी के अंदर कितना केजी नाइट्रोजन मिलता है, कितना केजी फास्फोरस मिलता है, दोनों की न्यूट्रिशन वैल्यू कंपेयर करेंगे तो आप आसानी से समझ पाएंगे। उसके साथ साथ दोनों में किसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है वो भी समझेंगे, क्योंकि दोनों के अपने नुकसान भी हैं, कुछ फ़ायदे भी हैं, तो वो दोनों समझेंगे तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा और नैनो डीएपी के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं, सबसे पहले हम नैनो डीएपी के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो देखिए, नैनो डीएपी जो होती है वो नैनो टेक्नोलॉजी से आधारित है। नैनो टेक्नोलॉजी का मतलब होता है, देखिए जो कोई भी जो भी हम टेक्निकल यूज कर रहे हैं तो उसके पार्टिकल्स को इतना महीन कर दिया जाता है, बारीक कर दिया जाता है, जिससे जब हम स्प्रे करें उसका तो पत्तियों के माध्यम से आसानी से एब्जॉर्ब हो जाए। तो नैनो टेक्नोलॉजी यानी कि उनके पार्ट्स को बहुत नैनो यानी कि बहुत बारीक कर दिया जाता है। तो नैनो टेक्नोलॉजी फायदेमंद भी होती है। देखिए, नैनो टेक्नोलॉजीज पे आधारित जो भी प्रोडक्ट होते हैं जब हम उनका उपयोग करते हैं अपनी फसलों के अंदर तो वो बहुत तेज़ी से प्लांट के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, पौधा उनको बहुत आसानी से इजीली ले पाता है, तो ये फ़ायदा होता है। और उनकी जब हम उपयोग करते हैं तो उसकी उपयोग दक्षता भी बढ़ जाती है, यानी कि जो मैक्सिमम हिस्सा है वो पौधे आसानी से उपयोग कर पाते हैं तो उसका वेस्ट भी बहुत कम होता है। तो ये फ़ायदा होता है नैनो टेक्नोलॉजी का, तो उसी टेक्नोलॉजी पे आधारित है जो हमारी नैनो डीएपी है। तो ये काफ़ी फायदेमंद है कि ये इजीली एक तो प्लांट को मिल जाएगी और बहुत तेज़ी से मिलेगी और इसके जो रिजल्ट हैं तो वो क्योंकि नैनो टेक्नोलॉजी है, नैनो टेक्नोलॉजी के रिजल्ट अच्छे आते हैं। लेकिन हाँ, वो डिपेंड करेगा, बाद में किसानों को पता चलेगा क्या एक बैग जो हमारा डीएपी है उसके बराबर रिजल्ट आते हैं या नहीं आते हैं, वो बाद में ही जब किसान हमारे यूज करेंगे तभी उनको पता लग पाएगा। तो ये है नैनो डीएपी। और देखिए, नैनो डीएपी की जो हमारी 500 ml की जो कीमत है वो लगभग 600 रुपये में आपको मिलेगी। और इसको देखिए हम उपयोग कब कब कर सकते हैं, एक तो इसका उपयोग हम सीड ट्रीटमेंट में कर सकते हैं, जब भी आप बीज उपचार कर रहे हैं तो उस समय कर सकते हैं, तो सीड ट्रीटमेंट में बहुत अच्छा रहता है। तो इसकी 5 ml मात्रा लेंगे और प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करके आप बो सकते हैं। तो इससे सीड ट्रीटमेंट यदि आप करते हैं नैनो डीएपी से तो उससे ये जो सीड की बीज की जो डोरमेंसी है, सुप्तावस्था है, उसको ब्रेक कर देगा, जिससे सीड का जर्मिनेशन अच्छा होगा। और इसमें क्योंकि फास्फोरस होता है तो फास्फोरस प्लांट को उस टाइम में चाहिए, जर्मिनेशन के टाइम पे पौधे को उस टाइम पे, और बाद में क्योंकि रूट फॉर्मेशन होता है तो फास्फोरस की ज़्यादा जरूरत होती है, तो प्लांट को अवेलेबल होगा, तो इससे जर्मिनेशन फास्ट आएगा और जर्मिनेशन अच्छा आएगा। तो ये सीड ट्रीटमेंट के लिए बेशक ही अच्छा है, तो आप इसको सीड ट्रीटमेंट में तो बेशक उपयोग कर सकते हैं, तो इसके अच्छे रिजल्ट ही आएंगे। उसके साथ साथ हम इसको स्प्रे में भी यूज करना होता है, क्योंकि देखिए नैनो डीएपी तरल रूप में आता है तो हम इसको स्प्रे के माध्यम से ही उपयोग करते हैं, सॉइल में इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो स्प्रे में हमें जो इसका उपयोग करना है, यदि आपने किसी फसल की बुवाई की है, किसी भी फसल में आप उपयोग कर सकते हैं, यदि उसकी बुवाई की है तो बुवाई के लगभग 35 से 40 दिन बाद आपको स्प्रे करना है, और यदि आपने प्लांटिंग की है तो प्लांटिंग के 20 से 25 दिन बाद आपको स्प्रे करना है। स्प्रे में जो हमें इसकी डोज रखनी होती है वो 2 से लेकर 4 ml रखनी होती है, या आप 500 ml को पर एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं, जितना जरूरत पानी है उसमें मिला करके आप अपनी फसल के अंदर स्प्रे कर सकते हैं। तो देखिए, नैनो डीएपी के अंदर जो 8% नाइट्रोजन होती है और 16% फास्फोरस होता है, तो ये इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू है। और यदि हम अब इनकी दोनों की न्यूट्रिशन वैल्यू की बात करें, जो हमारा नैनो डीएपी है कि उसके अंदर न्यूट्रिशन नाइट्रोजन कितना है, फास्फोरस कितना है, और एक बैग जो हमारा दानेदार डीएपी है उसके अंदर नाइट्रोजन फास्फोरस कितना है, तो दोनों को हम कंपेयर करते हैं। पहले तो देखिए, यदि हम परंपरागत डीएपी की बात करें, जो दानेदार डीएपी है उसकी बात करें, तो देखिए उसके अंदर 18% नाइट्रोजन होता है और 40% फास्फोरस होता है। परसेंटेज को हमेशा 100 से कैलकुलेट किया जाता है, तो इसलिए हम कम से कम 100 केजी डीएपी की बात करेंगे, यानी कि 2 बैग डीएपी यदि हम लेते हैं तो उसमें 18 केजी नाइट्रोजन मिलेगा और 40 किलोग्राम उसके अंदर फास्फोरस मिलेगा। यदि हम एक बैग की बात करें तो ये आधा हो जाएगा, यानी कि एक बैग डीएपी के अंदर, यानी कि 50 केजी डीएपी के अंदर
लगभग 9 किलोग्राम तो नाइट्रोजन मिल जाएगा और 23 किलोग्राम फास्फोरस उसके अंदर मिल जाएगा एक कट्टे डीएपी के अंदर, 50 किलो डीएपी के अंदर। यदि हम वहीं पर बात करें 500 ml की जो पैकिंग आती है नैनो डीएपी की, उसके अंदर देखिए नैनो डीएपी के अंदर जो हमें क्या मिल रहा है, 8% तो उसके अंदर नाइट्रोजन मिल रहा है और 16% फास्फोरस मिल रहा है। तो हम इसको भी किससे कैलकुलेट करेंगे, 100 से ही निकालेंगे। तो 100 लीटर नैनो डीएपी के अंदर हमें 8 केजी नाइट्रोजन मिलेगा और 16 केजी फास्फोरस मिलेगा। और वहीं पर यदि हम 1 लीटर की बात करें, 1 लीटर नैनो डीएपी के अंदर हमें मात्र 0.8% तो नाइट्रोजन मिलेगा और 1.6% फास्फोरस मिलेगा। और यदि हम वहीं पर बात करें 500 ml की बोतल की पैकिंग की कीमत के न्यूट्रिशन वैल्यू की बात करें कि 500 ml के अंदर कितना मिलेगा, तो 500 ml के अंदर 0.4 kg तो हमें नाइट्रोजन मिलेगा और वहीं पर जो हमारा फास्फोरस है वो मिलेगा 0.8%। तो देखिए अब आप दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, वहां पर हमें एक बैग के अंदर कितना मिल रहा है, 9 किलोग्राम नाइट्रोजन मिल रहा है और हमें 23 किलोग्राम फास्फोरस मिल रहा है, और यहाँ पर मात्र एक बोतल के अंदर जो मिल रहा है हमें वो मिल रहा है 0.4 केजी तो हमें नाइट्रोजन मिल रहा है और 0.8% हमें फास्फोरस मिल रहा है। तो आप माइनस करके देख सकते हैं कि हमें अरे जो हमारा डीएपी है उसके अंदर तो बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन है, बहुत ज़्यादा फास्फोरस है। लेकिन यहाँ पे दूसरे फैक्टर भी डिपेंड करते हैं। देखिए क्या होता है कि जो हम नैनो डीएपी है वो स्प्रे में देते हैं, तो और ये नैनो टेक्नोलॉजी पर आधारित है। तो जब हम इसको स्प्रे में देते हैं तो इसका जो मैक्सिमम हिस्सा है, जितना भी इसके अंदर नाइट्रोजन फास्फोरस है, उसको पूरा का पूरा पौधे उपयोग कर पाते हैं। लेकिन वहीं पर हम परंपरागत जो दानेदार डीएपी है इसके अंदर बेसिक नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा है और जो हमारा फास्फोरस की केजी में बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब हम इसको डालते हैं तो इसको पौधे को उपलब्ध करने के पीछे कई फैक्टर डिपेंड करते हैं। एक तो हमारी सॉइल का पीएच, आप जानते हैं हमारी जो सॉइल है उसके ज़्यादातर जो सॉइल है उनके पीएच 7 से ऊपर ही हैं, जिसकी वजह से जो फास्फोरस है वो हमारे पौधे को नहीं मिल पाता है। दूसरा हमारे खेत के अंदर कार्बन की कमी, माइक्रोब्स की कमी, तो उसकी वजह से भी जो पौधों को जो डीएपी है नहीं मिल पाता है। और जो हम दानेदार डीएपी डालते हैं उसका कुछ हिस्सा जब हम पानी देते हैं, बारिश होती है तो लीच भी कर जाता है, तो इसका बहुत कम परसेंटेज ही हमारे पौधे को मिल पाता है। तो जितना 9 केजी है और 23 केजी है उसका बहुत कम परसेंटेज ही हमारे पौधे को मिल पाता है, बाकी का जो है वो लीच हो जाता है। लेकिन वहीं पर जो नैनो डीएपी है वहाँ पर वो पूरा का पूरा हमारे प्लांट को मिल पाता है। लेकिन क्या उतना फिर भी जो हमारा जो परंपरागत डीएपी है वो उससे ज़्यादा न्यूट्रिशन हमारे प्लांट को मिल पाते हैं, ज़्यादा नाइट्रोजन मिल पाती है, ज़्यादा फास्फोरस मिल पाती है एज कम्पेयर टू नैनो डीएपी। तो इसके क्या उतने अच्छे रिजल्ट आएंगे ये हमें उपयोग करने के बाद ही पता लगेगा कि वाकई में अगर अच्छे रिजल्ट आते हैं तो बहुत सारे बेनिफिट भी हैं। और भी क्या बेनिफिट है, यदि नैनो डीएपी के जो हमें अच्छे रिजल्ट मिल गए तो एक तो किसानों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, हमारी गवर्नमेंट को यानी कि हमारे देश को, हमारी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। क्या क्या बेनिफिट होगा वो समझ लेते हैं। पहले किसानों की बात करते हैं, किसानों को क्या बेनिफिट होगा। देखिए किसानों को यदि 500 ml जो नैनो डीएपी है उसके रिजल्ट आ जाते हैं एक बैग डीएपी के बराबर, तो किसानों को पहले तो पैसा सेव होगा क्योंकि उनका जो 500 ml जो नैनो डीएपी है वो मात्र 600 रुपये में मिल रहा है और वहीं पर जो 50 kg का एक बैग है उनको 1350 रुपये में मिलता है, तो उनका कुछ पैसा सेव होगा यदि रिजल्ट अच्छे आए तब। उसके साथ साथ देखिए नैनो डीएपी को हम केवल स्प्रे के माध्यम से उपयोग करते हैं, तो स्प्रे में उपयोग करते हैं तो ये हमारे पौधे को स्प्रे के माध्यम से आसानी से उपलब्ध हो जाता है और ये सॉइल में नहीं जाता है। तो सॉइल में क्योंकि हम केवल पत्तों पर स्प्रे करते हैं तो सॉइल में जो हम रासायनिक खाद डाल रहे हैं उसके सॉइल में जो दुष्प्रभाव हो रहे हैं तो उससे हम बच सकते हैं, क्योंकि जो हमारे केंचुआ हैं, जो हमारे माइक्रोब्स हैं, तो वो उनको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, हमारी सॉइल अच्छी रहेगी, फर्टाइल रहेगी। तो यदि नैनो डीएपी के रिजल्ट अच्छे आए क्योंकि हम इसको पत्तियों पर डालते हैं, लेकिन वहीं पर जो हमारा दानेदार डीएपी हम उसको सॉइल में डालते हैं तो उसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं, हमारे पर्यावरण को भी दूषित करता है, हमारी मिट्टी को भी आप जानते हैं वो हार्ड बना रहा है, हमारे केंचुओं को भी वो नुकसान पहुंचा रहा है और भी जो हमारे माइक्रोब्स हैं उनको नुकसान पहुंचा रहा है, तो उसके नुकसान बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन वहीं पर जो नैनो डीएपी है क्योंकि वो हम स्प्रे के माध्यम से उपयोग करेंगे तो हम इन सभी नुकसान से बच सकते हैं। उसके साथ साथ इसको बहुत बड़ा फ़ायदा हमारी गवर्नमेंट को, हमारी इकोनॉमी को भी होने वाला है। वो क्या फ़ायदा होने वाला है,
देखिए, जो आप एक बैग डीएपी लाते हैं वो 1350 रुपये की लाते हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट को लगभग 4000 रुपये की पड़ती है। जी हाँ, और गवर्नमेंट आपको लगभग उसमें 2650 रुपये की जब सब्सिडी देती है, छूट देती है, तब आपको 1350 का मिलता है। यानी कि 2650 को सरकार को अपनी जेब से भरने होते हैं, हमारी गवर्नमेंट को देने होते हैं सब्सिडी के तौर पे। तो एक बैग पे 2650 वो देती है, लेकिन आप जानते हैं कि हमारे देश के अंदर कितना ज़्यादा डीएपी यूज होता है, तो उस पर बहुत बड़ा लॉस हमारी गवर्नमेंट को पड़ता है। तो यदि हम जो नैनो डीएपी है उसके रिजल्ट अच्छे आ जाते हैं और हमारे जो किसान भाई हैं शिफ्ट हो जाते हैं नैनो डीएपी की तरफ, तो किस हमारी सरकार का और हमारे देश का बहुत पैसा बचेगा और उसको जो हमारी सरकार है अन्य योजनाओं की तरफ लगा पाएगी। लेकिन वो तभी संभव होगा जब इसके रिजल्ट अच्छे आएंगे। यदि नैनो डीएपी के अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे तो फार्मर इसको क्यों यूज करें, उनके लिए यूज करना नहीं बनता है, क्योंकि उनको भी अच्छा प्रोडक्शन चाहिए। तो अच्छे रिजल्ट आते हैं तो फार्मर को बिल्कुल यूज करना चाहिए, उनके लिए अच्छा, उनके देश के लिए अच्छा, हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा। और यदि अच्छे रिजल्ट नहीं आते हैं तो फिर तो फार्मर यूज नहीं कर पाएंगे, जैसे हमें नैनो यूरिया के अच्छे रिजल्ट नहीं मिले हैं। तो उम्मीद है किसान भैया जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी जानकारी पहुँच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।